जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीबिका जी ऑल इन वन। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 यूजेस ऑफ ग्लिस्टीन। बिकॉज हम जानते हैं कि विंटर आते आते हमारी स्किन हो जाती है सुपर सुपर ड्राई, डल एंड ग्लो तो मतलब दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। क्या मतलब मेरी फेस में आपको नजर आ रहा है? ऑनेस्टली थैंक यू। पिंपल का मार्क भी बिकॉज अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे पिंपल मारा जाए तो पूरी फैमिली के साथ बता रहे थे। यू कैन सी दैट, ये देखिए, ये दो हस्बैंड वाइफ एंड इनके प्यारे प्यारे तीन बच्चे, 1 2 3। तो इनसे फाइट जारी है, फिलहाल विंटर स्किन केयर रूटीन की बारी है। वाह, क्या सही वाली लाइन बनी है। चलिए तो मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ग्लिस्टीन के साथ अपनी विंटर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में। एंड जो एक मिथ होता है कि जिन लोगों की स्किन ऑयली है क्या वो भी ग्लिस्टीन को यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी सही तरीका। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू सब्सक्राइब, जो रेड कलर का बटन श्योर है आपने उसको क्लिक करना है, साथ ही आपने क्लिक करना है बेल आइकन को ताकि मेरी जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनको ऐसा लगता है कि जो ग्लिसरीन है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, आई मीन टू से डेट आपकी स्किन जैसी भी है, आप सभी इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज ये ऑल स्किन सुटेबल है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के साथ अगर प्रॉब्लम होती है तो एक बार पेस्टेज जरूर कर लें, इसको थोड़ा सा लें एंड नाइट में अपने ईयर के पीछे यहाँ पर लगाकर ऐसे छोड़ दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इससे किस तरह की कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने सुना नहीं है अभी तक कि ये किसी के लिए भी मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इनफैक्ट इन विंटर में तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जिन लोगों की स्किन ऑयली है मैं उनको बताऊंगी कि वो बिल्कुल भी ना डरें और इसको डायरेक्ट फॉर्म में कैसे यूज करना है। तो इसका यूज नंबर वन ये है कि आप इसको एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, देखिए, जब विंटर आती है तो हमें जरूरत होती है एक ऐसे फेस वॉश की जिससे हम अपना फेस वॉश करें एंड फेस वॉश करने के बाद हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल भी ड्राई ना रहे, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो उस फेस वॉश में आप क्या कर सकते हैं, 4 to 5 drop ग्लिस्टीन एड करके आप अपना फेस वॉश करेंगे, देन मतलब अपना फेस क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि आफ्टर फेस वॉश आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी एंड काफी सॉफ्ट फील होगी। एंड फ्रेंड्स, आप चाहें तो इससे भी अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ग्लिस्टीन लें, आपने 1/4 spoon ग्लिस्टीन लेनी है, देन आपने इसमें सम ड्रॉप ऑफ लेमन का जूस मिक्स कर देना है। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, जितनी भी आपके फेस में डर्ट है, डस्ट है, वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी एंड आपका फेस जो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एंड आप चाहें तो थोड़ी सी बेसन लेकर उसमें इसको मिक्स करें, उस तरह से भी अपना फेस क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बेसन क्या करता है, स्किन को ड्राई बनाता है। लेकिन जब आप इसके साथ में उसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको दही में मिलाकर भी लगा सकते हैं, आप इसको शहद में मिलाकर भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आप इसको एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ स्क्रब। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे स्क्रबर का काम करता है, स्पेशली इन विंटर, बिकॉज विंटर में नीड होती है बॉडी को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखने की, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करने की। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपने लेना है 1/2 spoon ग्लिस्टीन, इसमें आपने मिक्स करना है क्रश शुगर। फ्रेंड्स, मीन मतलब शुगर को आपने क्या करना है, थोड़ा सा जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। तो आप इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने सिंपल लेना है एंड जेंटली स्क्रबिंग करनी है। फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी स्क्रबिंग करते हैं स्पेशली फेस की, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ही सॉफ्ट हाथ से आपने करनी होती है, क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, स्क्रबिंग बहुत ज्यादा कभी नहीं करनी है, 2 से 4 मिनट स्क्रबिंग आप करते हैं तो बहुत है, हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग काफी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो फुल बॉडी स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, नहाने से पहले करिएगा, देन आप सिंपल पानी से ऐसे ही नहाइए। मेन आपको जब आप इससे स्क्रबिंग कर रहे हैं तो आप साबुन को अवॉइड करें, साबुन ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपकी कंप्लीट बॉडी कितने अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है एंड मॉइस्चराइज होती है। थर्ड, आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन दोनों के लिए बताऊंगी कि किस तरह से आप मॉइस्चराइजर रेडी करेंगे इसकी हेल्प से। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑयली स्किन वालों की। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स अगर आप मॉइस्चराइजर बना रहे हैं तो आपने लेना है 2 स्पून एलोवेरा जेल, उसमें आपने मिक्स करना है 1/4 स्पून ग्लिसरीन। इसको अच्छे से मिक्स करके आप रख लेंगे एंड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर एज अ बॉडी लोशन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने लेना है 2 स्पून एलोवेरा जेल एंड सेम क्वांटिटी में यानी कि 2 ही स्पून आपने लेना है ग्लिसरीन। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये आपका एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर बनके रेडी है। आप इसको एज अ बॉडी लोशन भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप बाहर जाते हैं वर्किंग है तो प्लीज आप इसको ना लगाएं, आप इसको रात में ही लगाएं, बिकॉज हम बाहर जाते हैं ये बहुत ज्यादा स्टिकी होती है तो उसकी वजह से इसको दिन में लगाना अवॉइड करें। लेकिन अगर आप घर में ही रहते हैं तो डेफिनेटली आप 2-3 बार इस मॉइस्चराइजर को लगा सकते हैं। यूज नंबर 4, आप इसकी मदद से अपने चैप्ड लिप को रिपेयर कर सकते हैं, मतलब आपके होंठ फट गए हैं तो आपको क्या करना है, आपने 1/2 स्पून लेना है ग्लिसरीन एंड इसी ही क्वांटिटी में आपने लेनी है वैसलीन। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन आपने क्या करना है, इसको स्टोर करके रख लेना है। फ्रेंड आपको लग रहा है कि आपके होंठ फट रहे हैं या नहीं भी फट रहे हैं तो विंटर में बहुत जरूरी होता है अपने होंठों पर कोई भी बाम अप्लाई करना, तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा लिप बाम बन के रेडी है। आप चाहे तो उसको दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एरिया फट गई है जैसे मैंने आपको बताया है अभी, तो वहां पर भी आप इसको दिन में 2-3 बार अप्लाई कीजिए, स्पेशली नाइट में अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, तो आप देखेंगे कि जो आपकी क्रैक एरिया है आपकी फटी एरिया है बहुत ही जल्दी 8 से 10 दिन में रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि ग्लिसरीन की हेल्प से आप घर पर ही एक बहुत अच्छी मसाज क्रीम बना सकते हैं एंड आप उसे 1 से 2 मिनट डेली मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि विंटर में भी आपकी स्किन का जो ग्लो है वो बिल्कुल जाने वाला नहीं है, आपकी जो ड्राईनेस एंड डलनेस की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपने लेना है 1 स्पून ग्लिसरीन, आपने इसमें मिक्स करना है 2 स्पून एलोवेरा जेल, देन आपने इसमें मिक्स करना है 1/4 स्पून आमंड ऑयल। फ्रेंड्स इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन आप जब भी चाहें दिन में जब भी अगर आप वर्किंग है देन आप ऑफिस से आते हैं एंड अपना फेस क्लीन करते हैं उसके बाद आप इस क्रीम को लें और 2 से 4 मिनट अच्छे से अपवर्ड सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो इंस्टेंट क्लीन हो जाएगी, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग आपको नजर आएगी। अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे विंटर आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, आपकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं होगी और जो आपकी चेहरे का जो ग्लो है ना जो विंटर में वो गायब से हो जाता है वो एज इट इज रहने वाला है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव है एंड डेफिनेटली आई होप इसको आप ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स ये थे मेरे टॉप 5 यूज ऑफ ग्लिसरीन, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा बिकॉज मैंने ग्लिसरीन के साथ में आपका पूरा विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर किया है एंड इससे ज्यादा इजी और क्या होगा। फ्रेंड्स मतलब हर तरह से बेनिफिशियल, आप इसको एज अ बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि अगर आप इसको एज अ कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपने मैंने आपको बताया था जो आपने मॉइस्चराइजर बनाया था जिसमें आपने ग्लिसरीन मिलाया था एंड एलोवेरा जेल मिलाया था, आप उसको एज अ कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में एंड आपका कोई क्वेश्चन है सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बी पॉजिटिव बी हैप्पी टिल देन, बाय बाय।